आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशनों, रेलवे फाटक और रेलवे लाइनों पर पुलिस बल तैनात रहा। आला अधिकारी भी हालातों पर नजर रखे रहे। किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। किसान सड़क पर डटे हैं। रेल रोकने का भी ऐलान किसानों के द्वारा किया गया। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने रेल रोकने का ऐलान किया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। रेलवे स्टेशन, रेलवे पुल, रेलवे लाइन, रेलवे फाटकों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे सुरक्षा एजेंसियां जीआरपी और आरपीएफ भी मुस्तैद रही। जिला पुलिस हर रेलवे फाटक पर मौजूद थी। खास तौर से ग्रामीण अंचल में पड़ने वाले रेलवे फाटकों पर पुलिस का खास पहरा रहा। आला अधिकारी भी लगातार हालातों पर नजर रखे रहे। देखिए, आज ना कुछ लोगों द्वारा तहसील पे प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन और अन्य जगह पे प्रदर्शन का नारा दिया है, इशारा किया है। इसी के क्रम में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट जो है, जो जो मुख्य मुख्य स्पॉट्स हैं, जैसे कि रेलवे फाटक है जिसको बंद करने की बात चल रही थी, यहाँ पर भी हम लोगों ने पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। साथ ही में कलेक्ट्रेट, तहसील और अन्य जिन जिन जगहों पर हम लोगों को लगता है डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, सभी जगह पर एकदम तंदुरुस्त जो है डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही में ऐसे लोगों के ऊपर भी नज़र रखी गई है जो अन्य लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सर्विलांस और साइबर के माध्यम से इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। लोगों से यही अपील है कि वो एकत्रित ना हो। ड्रोन के द्वारा भी हम लोग निगरानी जो है वो सतर्कतापूर्वक रख रहे हैं। किसी भी मोहल्ले में अगर लोगों की गैदरिंग होती है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई ऐसी सूचना आई है जहाँ पर कोई रेल रोक? अभी तक कुछ नहीं है। सभी उनसे बातचीत चल रही है और समझाने बुझाने की कार्रवाई में हम लोग कर रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा रेल रोकने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते पूरी एहतियात बरती गई। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों पर भी पुलिस की कड़ी निगाह रही। इसके अलावा जिन लोगों ने रेल रोको आंदोलन के समर्थन में रेल रोकने का ऐलान किया था, उन पर भी पुलिस का पहरा रहा। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।